हेलो दोस्तों, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। तो आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है CUET के बारे में। आज आपका 9 अप्रैल है, तो 9 अप्रैल का ये सबसे बड़ा अपडेट है। जिस किसी ने भी सब्जेक्ट भरने में मिस्टेक की है, त्रुटि की है, ठीक है, तो आपका एक साल बर्बाद ना हो, इसलिए ये फिर से एक मौका आपको दिया जा रहा है बहुत ही कम टाइम में। इसको जितना जल्दी हो सकता है आप इसको संशोधन कर लें। चलिए आज हम लोग कुछ बात करेंगे CUET के बारे में, जिससे कि आप इसको फिर से सुधार सकें और कोई भी आपको दिक्कत ना हो इस बार एडमिशन को लेकर के। तो उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट है CUET का, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक 8/4/2023 को एक नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है री ओपनिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो ये आपका फिर से एक मौका दिया जा रहा है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे जब मैं ओके करूँगा तो शायद यहाँ से एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और इस PDF को भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये PDF फाइल यहाँ पर जो है ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है मेन वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से। और ये आप देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन का डेट है वो पब्लिक नोटिस है आपका 9 अप्रैल 2023 का। इसका लास्ट डेट कब तक आप इसमें संशोधन कर पाएंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये 30 मार्च को जो था ये क्लोज हो चुका था फाइनली, ठीक है। उसके बाद फिर से ये आपको ऑप्शन दिया गया था कैंडिडेट को करेक्ट करने के लिए, 3 अप्रैल तक दिया गया था, और उसके बाद फिर से इसे क्लोज कर दिया गया था। इसके बाद भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उसे समझ में नहीं आया कि इसमें आखिर क्या क्या चीज़ें हमें संशोधन करना था, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना था, क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ करना था, जिस कारण से दोबारा ये मौका दिया गया है। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का सेशन यहाँ पे दे दिया है कि 2023 है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ द रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, जो कि ये 9 अप्रैल से लेकर के यहाँ पर लास्ट डेट दिया हुआ है 11 अप्रैल 2023 के, ठीक है, ये रात को 11 बजे तक। तो लास्ट डेट का कभी भी आप इंतजार मत कीजिएगा। गवर्नमेंट का वेबसाइट है तो ये सब डाउन होते रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इसको संशोधन कर लीजिए। 11 तारीख तक टाइम है, यानी आपके पास जो समय है 9, 10, 11 तीन दिन का टाइम है। इस तीन दिन में जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं संशोधन को कर लीजिए। याद रखिएगा एक लैंग्वेज पेपर आपको चूज़ करना है पहला सेक्शन में, और उसके बाद दूसरा सेक्शन में जो है आपको डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप डोमेन सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए जो है आप चेक कर लेंगे कि आपका इंटर में कौन कौन सा पेपर में आपने एग्ज़ाम दिया था। डोमेन पेपर में आप उन्हीं में से दो डोमेन पेपर आपको चूज़ करना जरूरी है। याद रखिए कितना डोमेन पेपर, दो आपको चूज़ करना जरूरी है। ये वही पेपर है जो कि आप इंटर में पढ़ी है, ठीक है। तो इंटर में जो आपने पढ़ा उसी से आप इसको सलेक्शन कर लेंगे दो पेपर। और उसके बाद आपका एक जनरल टेस्ट का ऑप्शन है, याद रखिएगा ये कंपलसरी है। जिसको भी BBMQ में एडमिशन लेना है जनरल टेस्ट पेपर भरना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको पेपर क्लियर कर दिया, लैंग्वेज पेपर आप एक चूज़ कर लेंगे। उसके बाद सेकंड में आपका ऑप्शन आता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आता है, जिसमें आप कोई भी दो पेपर आप चुनेंगे, लेकिन मेक श्योर ये दो पेपर आपका इंटर में आपने इसका परीक्षा दिया हो तभी आप उस पेपर को आप चूज़ कीजिएगा। और तीसरा में आपका जनरल टेस्ट होता है, जो कि ये आप देख रहे हैं ये आपका लेना बहुत जरूरी है। तो इसको अभी आप जाकर संशोधित कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे अबाउट पेज में मिल जाएगा यूट्यूब का। तो चलिए फिर से मिलते हैं इस तरह की और भी अपडेट के साथ। अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं रेगुलरली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।